Find the resultant of two forces each having magnitude F naught and angle between them is theta. तो यहाँ पे हमें दो forces दिए हैं. Let's say it is a F1 is equals to F naught और दूसरा जो force है F2 इसकी भी value क्या है F naught और इनके बीच में जो angle है वो है theta, right? तो हमें इनका find करना है resultant. तो यहाँ पे resultant का मतलब होता है sum. और वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ सम. तो सबसे पहले हम लोग यहां पे दोनों वेक्टर्स का या फिर दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं, दैट इज सम लिख लेते हैं. इट इज F1 प्लस F2. इसको हम लोग F या फिर रिजल्टेंट F भी बोल सकते हैं. सो वी कैन राइट हियर रिजल्टेंट F बार, राइट? तो जैसे मैंने कहा कि रिजल्टेंट फाइंड करना है, मतलब क्या करना है, हमें यहां पे दो वेक्टर का सम करना है और सम का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. तो विल फाइंड द मैग्नीट्यूड हियर. सो हम लोग लिख सकेंगे यहां पे मॉड ऑफ एफ बार, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट या फिर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो होता है ये कुछ इस तरह से होगा. हियर इट इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस थीटा. तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला. नाउ मॉड ऑफ एफ बार को हम लोग सिंपली एफ लिख सकते हैं, दैट इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट. और क्योंकि हमें पता है कि यहां पे देखो F1 की वैल्यू और F2 की जो वैल्यू है वो सेम है, इसलिए हम लोग यहां पे रिप्लेस करेंगे F0 स्क्वायर प्लस फिर से F0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F0 इंटू F0 और ये हो जाएगा कॉस थीटा. ओके, नाउ ये हो जाएगा फिर से ट्वाइस F0 स्क्वायर, अगेन इट इज टॉइस F0 स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि F इंटू F स्क्वायर हो जाता है. ओके, नाउ यहां से हम लोग क्या करते हैं, 2F0 को पहले कॉमन ले लेते, तो ये हो जाएगा 2F0 स्क्वायर और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा. अब यहां पे दो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले होते हैं जो उसमें से हम लोग सेकंड फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे. देखो मैं दोनों भी लिखकर दिखाता हूं आपको. पहला फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है कि अगर 1 प्लस सॉरी हियर इट इज, समझो अगर 1 माइनस कॉस थीटा अगर होता है तो इसको लिखा जाता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला. दूसरा फॉर्मूला होता है कि अगर 1 प्लस कॉस थीटा अगर है, सो वी कैन राइट दिस वन एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाफ एंगल फॉर्मूले. तो इसमें से देखो हमारे पास अभी 1 प्लस कॉस थीटा है, तो हम लोग यहां पे सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे. तो मैं यहां पे सेकंड फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, दैट इज 2 F0 स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट? तो अब 2 2 4, मैं यहां पे नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं. तो जैसे हमारे पास वैल्यू थी, मैं फिर से इसमें रीराइट करने वाला हूं. इट इज 2 अंडर रूट में वैल्यू थी 2 F0 स्क्वायर इंटू हमारे पास वैल्यू थी 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये वैल्यू थी. तो अब देखो जैसे मैंने कहा था 2 2 4 हो जाएगा ये, इट इज F0 स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और सभी का स्क्वायर यहां पे, क्योंकि 4 मतलब 2 स्क्वायर, तो हम लोग इसको रूट के बाहर कैसे लिखेंगे, इट इज 2 F0 कॉस थीटा बाय 2. तो ये हो जाता है हमारा रिजल्टेंट वैल्यू और रिजल्टेंट ऑफ फोर्स.